सीने बीच भी आए हैं, इनसे बातें करते हैं। जी सीने बीच जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जय भीम, हाउ आर यू? या आई एम फाइन जय भीम। ऐसा है साइंस जर्नी जनाब, एक तो ये कि जो जय भीम का जो मतलब है, इनका जो एक माइथोलॉजिकल जो रामायण है उसमें कैरेक्टर था बाली नाम का, और बाली के हाँ सामने ये लोग कहते हैं कि जो भी उसके सामने आता था तो उसकी ताकत आधी हो जाया करती थी। तो जैसे ही ये मनुवादियों के सामने हम अपने आप को जय भीम कह के संबोधित करते हैं तो इनकी आधी ताकत तो वहीं खत्म हो जाती है। हाँ तो ये तो इनकी जान निकल जाती है जब, जैसे हम जय भीम बोलते हैं ना किसी को कि जय भीम, तो इनको लगता है कि बस इनका मतलब ये पूरे शस्त्र विहीन हो जाते हैं एकदम हमारे सामने, तो फिर इनकी कोई चलती नहीं है। दूसरी बात ये कि मंडल कमीशन के बारे में जो आज आपने चर्चा रखी है, ये बहुत ही सार्थक, और जो लोग उस दौरान थे या नहीं थे, जो पोस्ट मंडल पैदा हुए 90s के बाद, ये उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। मैं आपकी संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इस मंडल कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा हूं, और मैंने वीपी सिंह जी के साथ, पासवान जी के साथ, शरद यादव एंड चैन, यू नो, अपने जितने भी लोग थे इन्वॉल्व थे उन सबके साथ मैं काम करता था उस वक्त। ओके, ग्रेट ग्रेट, जरूर और जरूर जी, अपनी बातें जरूर शेयर करें जी। हाँ, तो मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे सकता हूँ कि उस वक्त में हो क्या रहा था और हम किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, और जो राजीव गोस्वामी ने जो आत्महत्या करने की कोशिश की दीयू में, ये सब हमारे सामने का सब कांड हुआ है ना। तो चंद्रजीत यादव जी थे, वो हमारे साथ लड़ते थे, अभी नहीं है, तो अभी तो सिर्फ शरद यादव जी हमारे सामने हैं, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बाकी तो सब चले गए, लालू जी हैं। तो हुआ ये था कि जो काका कालेलकर कमीशन एक 1954 में बना था, और काका कालेलकर कमीशन जो बना था उस वक्त में बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने जो ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड कास्ट थे, उनको काफी समझाने की कोशिश की कि भाई आपको भी ये सही वक्त है, सही मौका है कि इस वक्त आपको अपने अधिकार के लिए लड़ लेना चाहिए और आपको अपने अधिकार ले लेने चाहिए। लेकिन कुछ लोग, क्योंकि लैंड ओनिंग क्लास थे, कुछ लोगों के पास जमीन वगैरह थी, कुछ लोग गलतफहमी के शिकार थे, कांग्रेस के जो इनका जो बहकावा था उसमें गलतफहमी के शिकार थे, तो उन्होंने उस वक्त नहीं माने। तो बाबा साहब ने लेकिन फिर भी संविधान के अंदर एक ऐसा प्रावधान रख दिया कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उसके तहत इनको, इनका रिप्रेजेंटेशन इनको हर स्तर पर दिया जाएगा। और उसी के तहत 1953 में काका कालेलकर कमीशन बना। काका कालेलकर जब कमीशन बनता है तो वो बाबा साहब के पास जाता है, काका कालेलकर जाते हैं और वो कहते हैं कि बाबा साहब अब बताइए, आपने जो प्रावधान किया था, अब इसके हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा साहब ने कहा कि ये इससे बेहतरीन और सुनहरी मौका आपके पास नहीं हो सकता है, आप अपने समाज को जिसके साथ सदियों से जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, कुछ दे सकते हो तो दे दो, और किसी के साथ इनजस्टिस ना होने पाए और आपके समाज को पूरा न्याय मिले, और ऐसी रिपोर्ट बनाइए। तो खैर वो रिपोर्ट 1954 में आई, और जब वो आई तो उस वक्त की जो सरकार थी कांग्रेस की और तमाम जो सरकारें उसके बाद में, उस सब उन्होंने उसको एक बॉक्स में बंद करके रख दिया रिपोर्ट को, और लिहाजा वो रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई काका कालेलकर कमीशन पे। फिर 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी जनता पार्टी की, तो उस वक्त में मंडल कमीशन, बीपी मंडल जो थे उनकी अध्यक्षता में ये कमीशन बना, जिसकी रिपोर्ट 80 में आई, और उसके अंदर ये आइडेंटिफाई किया गया जो जो जनसंख्या की जो गिनती हुई, जो सेंसस हुआ, जनगणना हुई, उसमें पाया गया कि 52% लोग, इंडिया के जो लोग हैं एक्सेप्ट SC ST, उनके अलावा 52% सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो आपके सामने कुतर्क देते हैं यहां आकर के, जो दे रहे हैं, बहुत देर से मैं सुन रहा था आपका, इतना प्रेशस टाइम जिन्होंने वेस्ट किया वो देते हैं कुतर्क के साथ, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इनको, बेवकूफों को ये नहीं पता है कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है, और उन्होंने उसमें जो जातियों को सम्मिलित किया वो कौन सी जातियां हैं, वो जातियां वो, उसमें यहां तक लिखा है साइंस जर्नी के इस सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड वही होगा जिसके जिसके घर से स्कूल इतनी दूर होगा, उसका कच्चा मकान होगा, ये होगा, वो होगा, तमाम उसमें पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर उन कास्ट को आइडेंटिफाई किया गया जो 52% थी, और उनको ये रिजर्वेशन दिया गया। अब ये जब वीपी सिंह जी की सरकार आई, तो जब हम लोग साथ साथ काम कर रहे थे, तो वीपी सिंह जी ने, उनके जो एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है,
और कैबिनेट सेक्रेटरी एजेंडा कैबिनेट का ड्राफ्ट करके लेके आता है। तो रामविलास पासवान जी की मिनिस्ट्री के अंडर था, तो इन्होंने रामविलास पासवान साहब ने और शरद यादव साहब ने कहा, क्योंकि मंडल कमीशन को इसको आना चाहिए, तो बीपी सिंह साहब ने कैबिनेट सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप इसको लेकर के आइए कल कैबिनेट एजेंडा में। तो अगले दिन जब कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी तो उसमें मंडल कमीशन नहीं था। तो आप देखो कितनी हिस्टोरिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, उसमें जब नहीं था तो क्या हुआ, ये एकदम गुस्से में आ गए शरद यादव साहब और पासवान साहब, और वो जो पंडित जी महाराज थे जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो लेके नहीं आया जान पूछ के, तो उन्होंने बीपी सिंह साहब ने अपनी कलम से उसमें ऐड किया एजेंडा में मंडल कमीशन को, और उसकी रिकमेंडेशन को लगा दिया गया और तूफान खड़ा हो गया। उस वक्त हम जेएनयू में थे, तो हुआ ये कि इन्होंने जो बीजेपी के जो लोग थे इन्होंने भड़काना शुरू कर दिया लोगों को, और लिहाजा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हंगामा हुआ और राजीव गोस्वामी ने आग वगैरह लगा ली, वो सब ड्रामा था इन लोगों का जो करने की कोशिश की। तो एक्चुअली हुआ क्या इसका कि फिर शरद यादव जी को मैंने जेएनयू में बुलाया, और जब जेएनयू में जब शरद यादव जी आए तो उनकी कार के ऊपर इन्होंने जो मंडल कमीशन वाले लोग थे जो विरोध कर रहे थे, एंटी मंडल जो ग्रुप था, उन्होंने उनकी कार को तोड़ दिया। तो ये जो आजकल जर्नलिस्ट है ना, ये क्या नाम आशुतोष, जिसको देखते होंगे आप, बड़ा प्रोग्रेसिव बना हुआ है अपना यहाँ पे satyahindi.com चलाता है, ये उनका लीडर था उस वक्त में मंडल एंटी मंडलियों का। तो इसने ही उनकी कार पे अटैक किया था और सारे कपड़े वगैरह फाड़ने की कोशिश की इसने। तो मैंने शरद यादव जी को गोदी में लेकर के कॉली भर के और पीछे ले गया ऑडिटोरियम के, और उन्होंने शरद यादव जी ने गुस्से में कहा कि मैं पीछे से ले जाऊंगा आगे से जाऊंगा, गुस्से में उनको और गंगाचरण राजपूत भी साथ थे हमारे, तो हम सब फ्रंट डोर से निकले, कार इन्होंने जरूर तोड़ दी, पूरा हंगामा हुआ। तो उसका उसका रिपरकशन ये हुआ कि पूरे देश में एकदम आंदोलन फिर दोबारा जीवित हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस आंदोलन के अंदर क्या हुआ और उसके आज की क्या स्थिति है। स्थिति ये है कि उस वक्त में जो लड़ाई कर रहे थे मंडल कमीशन के लिए, वो बैकवर्ड सड़क पे नहीं उतरा था इतना, वो सारे एससी एसटी सड़क पे उतरे थे जो शेड्यूल कास्ट थे, और शेड्यूल कास्ट ने क्या काम किया, लड़ाई अपने कंधे पे उठाई, और बैकवर्ड क्या था, वो थोड़ा शाई फील कर रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और फिर धीरे धीरे अभी क्या हुआ है कि उस मंडल कमीशन की वजह से लोग इतने जागृत हो गए बहुत जबरदस्त तरीके से, नाव अभी इन लोगों के लिए वो इनके इनको पच नहीं रहा किसी को, और सारे लोग लिहाजा उस मंडल कमीशन को मानने पर मजबूर हो गए, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की हो, कोई भी अब उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो मैं वीपी सिंह जी से एक बार अमेरिका में मैंने पूछा, जब वो इलाज के लिए वहां आते रहते थे तो हमें थोड़ा बहुत सेवा करने का मौका मिला अमेरिका में, तो मैंने कहा साहब मंडल कमीशन आपने क्यों लागू किया, तो वो एकदम बोलते हैं कि भाई ये जो सामने टेलीफोन डायरेक्टरी पड़ी रहती है, यहाँ इंडिया में तो टेलीफोन की डायरेक्टरी ऐसी आती नहीं है ना जो फोन बुक होती है, अमेरिका में एक फोन बुक होती है तो हर किसी का उसमें नंबर होता है। तो उसने कहा आप कोई भी पेज खोल लीजिए और उस पेज के अंदर किसी भी रेंडम आदमी को इंडियन को देख करके फोन करके देखिए, उससे पूछे उसकी जात क्या है। तो हमने कहा इसमें क्या बुराई है, तो पता लग जाएगा फौरन। तो कह रहे जब पता लगाएंगे आप तो आपको पता लगेगा कि एक भी उसमें से ओबीसी नहीं है और एक भी दलित नहीं है, मैक्सिमम लोग जो हैं 99% आपको अपर कास्ट में देंगे। और आप बताइए कि जब यहाँ पर यहाँ पहुंचने के लिए वो लोग नहीं पहुंच पा रहे, तो ये मंडल कमीशन लगाना इसलिए वाजिब है कि ताकि सब जगह हर तरीके से लोग का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। और उसका ये हुआ है साइंस जर्नी आज के हालात ये हो गए हैं कि अभी देखिए ये लोग हर तरीके से वाया मीडिया निकाल लेते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट आई 10% रिजर्वेशन इन्होंने अपने लिए रख लिया, तो ऑलरेडी 50 तो ले रखा है, 10% और ठोक दिया ऊपर से। अब आप ना लगाइए ये लोग एक हल्ला करते थे कि भी वुमेन्स को औरतों को रिजर्वेशन दिया जाए, है ना, आपने सुना होगा काफी शोर शराबा होता था, और उस रिजर्वेशन का हम लोगों ने सिर्फ हम नारी का तो हम सबसे ज्यादा पक्षधर हैं, तो हमने क्या काम किया, हमने उसका थोड़ा सा विरोध किया, हमने कहा ठीक है हम रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं लेकिन इसमें आप रिजर्वेशन में एससी एसटी और ओबीसी और वुमेन के लिए भी करिए इतना ही जैसे मंडल कमीशन लगा है। तो हुआ ये कि उसका ये विरोध करने लगे क्योंकि ये औरतों के नाम पर अपनी औरतों को आगे लेके आने वाले थे, जैसे गांव का प्रधान होता है ना, आप देखते होंगे बिहार में यूपी में गांव का प्रधान और सीट आरक्षित हो जाती है औरत के लिए, तो खुद तो बनता नहीं है और अपनी औरत को बना देता है प्रधान और सारे काम खुद करता है। एक पंचायत ड्रामा आता है उसको भी देखते होंगे आप, उसमें देखिए पंडित जी महाराज कैसे खुद बने होते हैं ना, है ना, मिश्रा जी। उस चीज को रोकने के लिए हमने पार्लियामेंट में उसको थोड़ा सा रोका। तो अभी क्या हो रहा है कि जितने लोग हैं इनके पेट में दर्द हो रहा है, अब देखिए इन्होंने फिर दूसरा नया पैतरा फेंका,
इस सरकार ने क्या किया साइंस जर्नी, आपने शायद उस चीज को मैं या तो सुन नहीं पाया कि लेटरल एंट्री शुरू कर दी है। और लेटरल एंट्री में क्या है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, जिस मर्जी को उठा के ले जा रहे हैं और आईएएस बना दे रहे हैं। आप बताइए जितनी भी लेटरल एंट्री अभी तक इन्होंने की है, क्या उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी इनको मेरिटोरियस नहीं लगा? सोचिए जरा। आज आपको खुशी इस बात की होगी कि ना स्पेस साइंस जो इसरो है आपका, उसमें चले जाइए और आप उठा के देख ली कितने सारे लोग आपको एससी एसटी ओबीसी के मिलेंगे, लेकिन वो अंदर अंदर साइंटिस्ट है, काम कर रहे हैं, बेचारे उनको कहीं आने नहीं दिया जाता। लेकिन ये राजनीति और इसकी रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है पावर स्ट्रक्चर में, तो वहां एससी एसटी ओबीसी को ये पीछे धकेलने काम करते हैं। अब लेटरल एंट्री कर दिया, अब आप अंदाजा लगा ले। मेरा चैलेंज है जितने भी साइंस जर्नी आपको सुन रहे हैं, अगर आप वाकई में फेयर होने वाले लेवल आप एकदम सबको समान अवसर दे दीजिए और आप किसी भी परीक्षा के अंदर इंटरव्यू खत्म कर दीजिए, सिर्फ रिटन टेस्ट रखिए, देखते हैं किसकी माँ ने इतना दूध पिलाया है कि वो हमसे आगे निकल जाता है मेरिट में। ये साइंस जर्नी ये क्या करते हैं कि हमारे रिटन में आएंगे 90% और हमको इंटरव्यू में देंगे 2%, हमारी वहीं खत्म कर देते हैं सब कुछ। और हम जब एग्रीगेट करते हैं, कंबाइन करते हैं नंबर्स को, तो हमारा कैंडिडेट निकल ही नहीं पाता। अगर इनके अंदर ताकत है तो एक तो ये कर दें कि इंटरव्यू खत्म कर दें, दूसरी ताकत है तो ये कर दें कि सरकारी नौकरी उसी को मिलेगी जो सरकारी स्कूल का पढ़ा होगा, सरकारी एजुकेशन सिस्टम का पढ़ा होगा। हो क्या रहा है कि इन्होंने हमारे लिए तो सिर्फ सरकारी एजुकेशन छोड़ दी, जिसको कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। ना कोई टीचर है, ना कोई मास्टर है, ना स्कूल है, स्कूल की छत नहीं है, वहां कोई पढ़ाने नहीं आता, और खुद अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, और हमारा बच्चा एससी एसटी ओबीसी का किसी तरीके से प्रोग्रेस करके आगे आ भी जाता है तो उसको फिर वहां कैप लगा दी जाती है, उसको वहां रोक दिया जाता है। तो एक साजिशाना अंदाज में ये लोग चल रहे हैं, और हमें ये जो सरकार है इससे कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए, और भ्रमित होने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हमारे नाम पर सिर्फ सिंबॉलिक काम तो नहीं हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। अभी कोई साहब है निर्माणा, वो पूछ रहे हैं अभी आपके उस पे कि सर मंडल कमीशन लागू करने में माननीय कांशीराम की भूमिका के बारे में बताइए। देखिए मेरी कांशीराम जी से बहुत अच्छी बात थी, मेरा परिचय था उनसे, और ये सवाल मैंने उनसे पूछा भी था कि आप पहले कहते थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी छोड़ दो, और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो बोट क्लब पर जो एंटी मंडल ग्रुप की जो रैली हुई उसमें आप शामिल हो गए, तो आप क्यों हुए? तो कांशीराम जी ने जो मुझे बताया वो आज भी मैं उस चीज को सोचता हूँ, उस पर विचार करता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर उनका जो पर्सपेक्टिव था, वो कहते हैं कि सरकार हमें मजबूत नहीं मजबूर चाहिए, और उनकी बात आज बिल्कुल एक एक शब्द उनका ऐसा सोने की तरह खरा उतर रहा है। अगर ये सरकार आज आपकी सेंटर में बैठी मजबूर होती तो आज जो शेर का जो अशोक चिन्ह इन्होंने जो लगाया है इस तरीके का, और इतना विरोध हो रहा है, तो और उसके बावजूद कोई इनके कान पर जू नहीं रह गई, तो ये कुछ ना कर पाते, तो ये अपने मन की ना कर पाते बिल्कुल भी, अगर सरकार मजबूर होती। लेकिन सरकार यहाँ पर मजबूत है, और मजबूत सरकार होने का क्या होता है कि फिर ऑटोक्रेसी और एकदम वो अपनी तरीके से फिर मनमानी होती। तो ये इनका मानना था कांशीराम साहब का कि अगर मैंने मंडल कमीशन, अगर मैंने वीपी सिंह को उस वक्त में सपोर्ट कर दिया तो वीपी सिंह की सरकार बहुत मजबूत हो गई होती, और हो सकता है कुछ खराब, और वो गलत भी हो सकता है। जो कांशीराम जी सोच रहे थे वो मैं बता रहा हूँ, उनकी फिलोसफी ये थी। लेकिन उस कांशीराम जी का जो अभी साइंस जर्नी बात कर रहे थे, बहुजन संगठन के मजबूती पर जो बात कर रहे थे, वो इतनी जरूरी बात है कि मैंने कांशीराम साहब से एक बार पूछा था कि साहब लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम किसे जोड़ना चाहते हो? मैंने कहा यही एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज। तो उन्होंने जवाब दिया कि यार पहले तुम अपने लोगों को तो जोड़ लो एससी को, जब तुम्हारे एससी अपने काबू में आ जाएंगे, अपने संगठन में आ जाएंगे, तो बाकी ओबीसी भी आएंगे और माइनॉरिटी भी आएंगे। तो जो साइंस जर्नी ये बात कर रहे हैं, ये बहुत मजबूत बात है आपकी कि जब तक कि बहुजन समाज का संगठन एक मजबूत नहीं होगा, बनेगा नहीं, तब तक ये काम बनने वाला नहीं है। अब क्या कर रखा है इन्होंने कि ये बहुत ही इन्होंने साइंस जर्नी, आप बड़ा तरकीब से इस चीज को सोचिए कि इन्होंने जो हिंदुइज्म का ब्रैकेट है उसका वाइड कर दिया है, और दलित जहां पर थे, जहां पर अनटचेबल थे, वहां इन्होंने मुसलमानों को रख दिया है। सो दलित्स आर रिप्लेस्ड बाय मुस्लिम्स, और दे हैव ब्रॉट दलित्स इनटू हिंदू ब्रैकेट। तो इन्होंने क्या काम किया कि जब जो हिंदुइज्म का जो ब्रैकेट है, जो हिंदू ग्रुप का ब्रैकेट है, उसमें दलित को ले आए और दलित से मुस्लिम को ले आए, तो वही हाल आज मुसलमानों की वहां पर की है भारत के अंदर, जो दलितों की करते थे। अब दलितों को बड़ा पुचकारते हैं ये लोग, लेकिन दलितों को भी किसको पुचकारते हैं, उसमें से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं उनको राम भक्ति में और कांवड़ सेवा में लगा रहे हैं।
है ना, उनके पैर भी धोते हैं और उनको बाद में जब मौका मिलता है तो रगड़ भी देते हैं। अब आप देखिए, जहां बुद्धिस्ट अशोका का जितना बड़ा स्मारक पार्लियामेंट के ऊपर ये लगा रहे हो और वहां किसी बुद्धिस्ट कोई और वहां उसकी जो पूजा पाठ बिल्कुल वैदिक रीति रिवाज से कर रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि मन में क्या है। तो ये जो मंडल कमीशन है ये जाने वाला नहीं है। और मेरा मानना यह है, मैंने जो आपके सामने शब्द लिखे ना, कैसे खत्म होगा, आर्थिक आधार पर तो हो ही नहीं सकता। आर्थिक आधार है क्या, सारे आर्थिक आधार तो इन्हीं सब कुछ तो इनके हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो बेहतर यह है कि सब लोग संगठित बना करके लोग किसी भी तरीके से अपना सरकार को अपने काबू में लें, अपने शामिल हों और अपनी नीतियों को अपने लिए लागू करें। आपके लिए संविधान जो है इतनी ताकत देता है कि संविधान के तरीके से चलेंगे। संविधान में साइंस जर्नी बाबा साहब इतने विजनरी थे कि उन्होंने हर एक नागरिक को स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा तक मिलने का इंतजाम कर रखा है। ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्लेम एंड रिक्लेम आवर राइट्स, यू नो, व्हिच हैव बीन डिनाइड। तो हो क्या रहा है, ये लोग हमको बड़ा शातिराना अंदाज में हमारे साथ आएंगे, आर्गुमेंट करेंगे, आपका टाइम बर्बाद करेंगे बगैर इतिहास को जाने हुए। जो लोग आपको सुन रहे हैं उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि हमारी एक लेगेसी है, किस तरीके से हमारे साथ जुल्म जाती हुई है, किस तरीके से हमको प्रोसेस से अलग रखा गया और किस तरीके से हम लोगों को अब आगे बढ़ना है। हमें इनके बुला, अभी देखिए एक वीडियो देख रहा था, तीन छोटे छोटे बच्चे 9-10 साल के, उनको चिलम पीने पे लगा रखा है और वो कांवड़ में जा रहे हैं और वो भगवा रंग की टी शर्ट पहने हुए, कितना दुख होता है। और सारे बच्चे को पंडित जी के थे या किसी ठाकुर साहब के थे, वो सारे बच्चे दलित और ओबीसी बच्चे होंगे और इतना बुरा हाल कर रखा है इनको। सिर्फ अभी तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि हमारे दलित लोगों को और इनको ओबीसी को ये लोग आउटसोर्स करना शुरू कर देंगे उसमें कांवड़ के लिए। एक पंडित जी महाराज ठेका ले लेगा कि 1000 कांवड़िया मैं भेजूंगा और सबको 2-2 हजार, 3-3, 4-4 हजार रुपए और एक एक चिलम पकड़ाएगा और कांवड़ में भेज देगा और हमारे लोग बावले होके चल भी जाएंगे वहां पे। तो आपको ये बहुत बड़ा बड़ा साजिश हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। और आपका जो एफर्ट है वो इतना जबरदस्त है साइंस जर्नी में, साधुवाद आपको कि आप लोगों को चैतन्य करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, डायलॉग भी कर रहे हैं। किसी का कोई सवाल हो तो मैं जरूर देने के लिए तैयार हूँ जवाब। ये वरुण जी कुछ पूछ रहे हैं, यूएस से है शायद, द मैक्सिमम मुस्लिम वही सिस्टम के तंग। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो साइंस जर्नी बोलते हैं। देखिए जो ये तो कास्ट सिस्टम का जो हिंदू, चाहे वो इस्लाम हो और चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, और चाहे वो सिखिज्म हो, ये पूरा का पूरा हिंदुइज्म से कॉपी पेस्ट हो गया है, सारा का सारा सिस्टम एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया और वो ऐसी चल रहा है और कोई इसको उसके खिलाफ काम करने को तैयार नहीं है। चाहे वो अकाल तख्त हो, वहां से कोई हुक्मनामा जारी नहीं होता, मुस्लिम्स हो तो उनका कोई फतवा जारी नहीं होता कास्ट सिस्टम के खिलाफ, है ना, कोई अफजल है तो कोई कुछ और है इस तरीके से, तो ये तो इनके फेवर में काम कर रहा है। वैसे ही दलित क्रिश्चियंस का हाल है, क्रिश्चियनिटी के अंदर आप देखो कितने ग्रुप्स बने हुए हैं, दलित चर्चेस अलग हैं। साउथ इंडिया में चले जाइए जो रेगुलर चर्च है उसमें दलित नहीं जा सकते और दलित सिर्फ हम ही दलित चर्च में जाएंगे, तो ये सब हो रहा है। तो हम किससे शिकायत करें, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है वह कंपटीशन, किस तरीके से आप कर सकते हैं और शिक्षा के जरिए ही आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। शिक्षा के लिए बिल्कुल हमें जोर जबरदस्त तरीके से लड़ना पड़ेगा। जी साईं जर्नी, आपको कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी जी, ओके ओके। सीने पीछे एक्चुअली आपका बैकग्राउंड साउंड आ जाता था जब मैं बोलता था, इसीलिए मैं आपकी लगातार सुन रहा था। मैं आपने काफ़ी अच्छा बोला और मेरे ख्याल से हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई यह जानकर कि आप इन चीज़ों में शामिल थे। तो सिनेविज बहुत अच्छा लगा, आप आए, आपने बातें रखी और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी आते रहेंगे और पुरानी जो चीज़ें हैं वो हम सबके बीच में रखते रहेंगे। इससे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो जो लाइफ होती है, वो जो ज़िंदगी होती है, जो लोग चले गए हैं उनको हम लोग प्रैक्टिकली नहीं देखे हैं। जिसने प्रैक्टिकली देखा है, जिसने जिया है, उनके साथ समय बिताया है, वो आकर जब अपनी बातें रखते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकली अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं, उस सीन को अपने आँखों से देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा सिनेविज जी आपसे मिलकर। ओके, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।